लेसन का नाम है एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग एगो द ओनली वे पीपल कुड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वॉकिंग, बहुत साल पहले पुराने जमाने में केवल एक रास्ता था लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने का, क्या? वॉकिंग, यानी वो लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल के जाते थे। लेटर दे लर्न टू टेम एनिमल्स, बाद में उन्होंने जानवरों को पालना सीखा। एंड यूज देम टू ट्रैवल टू फार प्लेसेस, और वो उन्हीं एनिमल्स को यूज करके दूर जगह पे जाते थे, फार मतलब दूर। दे ऑल्सो लर्न टू यूज एनिमल्स टू ट्रांसपोर्ट एंड कैरी हैवी लोड्स टू फार अवे प्लेसेस। अब उसी में क्या सीखा लोगों ने कि एनिमल्स को यूज करना सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, टू द टॉप ऑफ द हिल्स और माउंटेन्स पे ले जाने के लिए, एक दूर जगह जाना है या माउंटेन्स के टॉप पे जाना है तो वो एनिमल्स को यूज करके अपना सामान इंसान ले जाते थे। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड राइडिंग एनिमल्स, पैक एनिमल्स, ड्रॉट एनिमल्स। तो ये नाम है और इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, और कलेक्टिवली इनको हम कहते हैं वर्किंग एनिमल्स। ऑल दीज एनिमल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड वर्किंग एनिमल्स। अब इन्हीं एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा राइडिंग एनिमल्स। एनिमल्स जैसे हॉर्सेस, डोंकी, पोनीज, कैमल्स, एलिफेंट्स आर यूज फॉर राइडिंग टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी ये एनिमल्स जिनकी बैक पे हम बैठ के, ये दिख रहा है ये बैक पे बैठ के, घोड़े की भी बैक पे लोग बैठ जाते हैं, है ना, कैमल की बैक पे भी, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो इन एनिमल्स को हम कहते हैं राइडिंग एनिमल्स। पीपल राइड ऑन द बैक ऑफ दीज एनिमल्स, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह इस एनिमल के बैक पे बैठकर जाते हैं। इन द ओल्ड डेज किंग्स और क्वींस रोड ऑन एलिफेंट्स, होता ना राजा महाराजा सवारी निकलती थी तो एलिफेंट्स पे बैठ के जाते थे ना वो लोग। नाउ अ डेज कैमल, हॉर्सेज और एलिफेंट्स यूज टू टेक चिल्ड्रन एंड टूरिस्ट। आजकल क्या होता है, आजकल लोग वैसे तो नहीं बैठते, लेकिन कैमल, हॉर्स और एलिफेंट्स पे बच्चे या टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं वो बैठते हैं, राइड लेते हैं सर्टेन एरिया में। तो अब ऐसे एनिमल्स आप कहाँ देख सकते हैं, बीचेस पे, डेजर्ट में और फेयर्स में, मेलों में। बीचेस जो समुद्र के पास का कोस्टल एरिया होता है, बीच वहां पे, और डेजर्ट, डेजर्ट में तो कैमल ही दिखता है। नेक्स्ट इज योर पैक एनिमल्स। पैक एनिमल्स क्या है, एवरी ह्यूमंस यूज एनिमल्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहते हैं अर्ली ह्यूमंस, पहले जो इंसान थे वो एनिमल्स को यूज करते थे अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। दिस मेड द वर्क ऑफ ह्यूमंस इजियर, तो उन एनिमल्स को यूज कर हमारे इंसानों का काम आसान हो जाता था। एनिमल्स हेल्प इन कैरिंग हैवी लोड्स ऑन देयर बैक्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस अक्रॉस डेजर्ट, अप एंड डाउन द माउंटेन इवन टूडे। तो कहते हैं आप एनिमल्स को देख सकते हो, मतलब हेल्प करते हैं सामान उठाने में, हैवी लोड्स, भारी सामान उठाने में, अपने बैक पर लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाते हैं, चाहे वो डेजर्ट में हो या माउंटेन के ऊपर या नीचे हो। अगर आप किसी हिली एरिया में जाओ ना, बेसिकली ये सब जब वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं ना, श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर, वहां बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, पोनीज, जो सामान ऊपर से नीचे से ऊपर ले जा रहे होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, पैक एनिमल्स, जो हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जिन पे हम सवारी करते हैं वो होते हैं राइडिंग एनिमल्स, जो सामान हमारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं वो होते हैं पैक एनिमल्स। एनिमल्स जैसे कैमल, ऑक्सन, रेंडियर्स, एलिफेंट्स, शीप, गोट, या के सारे पैक एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। ये सामान भी ले जाता है, घोड़ा एक जगह से दूसरी जगह सामान भी ले जा सकता है, घोड़े की हम सवारी भी कर सकते हैं। फॉलन ट्री ट्रंक्स, गिरी हुई जो होती है ना ट्री की ट्रंक्स, तने बहुत हैवी होते हैं, हैवी लॉक्स ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े गोल गोल जो होते हैं, एंड हैवी स्टोन्स आर मूव्ड एंड कैरिड बाय एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट। अब इन सब चीजों को कौन ले जाता है, एलिफेंट्स जंगल में, एंड समटाइम्स इन द माउंटेन्स एरिया, और कभी कभी ऊपर पहाड़ियों पर भी, माउंटेन एरिया में भी, इन द अपर रीजन ऑफ द हिमालय, हिमालय में जब आप बहुत ऊपर चले जाते हो हाइट पे। याक आर यूज टू ट्रांसपोर्ट हैवी गुड्स, यार्क यूज होते हैं, याक सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। डोंकी एंड म्यूल्स आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट वर्किंग एनिमल्स, डोंकी और म्यूल्स तो पहले से ही यूज हो ही रहे हैं। म्यूल्स जो है, मैंने कहा था ना वैष्णो देवी, वहां म्यूल्स बहुत ज्यादा यूज होता है। दे मूव स्लोली, ये धीरे चलते हैं, बट दे आर वेरी स्टडी एंड विच इज वाई दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन। धीरे चलते हैं लेकिन हमारा काम हो गया क्लियर, हिलामत ऐसे आवाज आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉट एनिमल्स। तो ड्रॉट एनिमल्स क्या होते हैं,
ये हमारा सामान आर यूज टू पुल, खींचते हैं, जो खींचने वाले, जैसे किसी बग्घी कार्ट को खींचा, हैवी लोड्स का, ये देखो ये खींचता है ना, पीछे सामान रखा होता है, लोगों को भी बिठा के ले जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, और कुएं से पानी निकालना हो इरिगेशन के लिए, तो हम इनमें जो जानवरों को यूज करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ड्रॉट एनिमल्स। एनिमल्स जैसे ऑक्स, डोंकी, बुलेट कार्ट आर नोन फॉर देयर ग्रेट स्ट्रेंथ, इनमें बहुत ज्यादा ताकत होती है और पावर होती है, बहुत स्ट्रांग होते हैं ये, तो इसलिए फार्मर्स इनको खेतों में यूज करते हैं, यूज बाय फार्मर्स इन द फील्ड। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील बाय द अर्ली ह्यूमन मैन मेड ट्रेवलिंग ईजियर, कहते हैं अब खोज हुई जो पहिए की, उससे अर्ली मैन का ट्रैवलिंग जो है आसान हो गई, एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्या की करने लगे लोगों ने, कार्ट बनाई, इसको व्हील से अटैच कर दिया, आगे जानवर लगा दिया, वो उसको पुल करता था, और अभी भी हम यूज करते हैं ये गाँव में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये आउटडेटेड हो गए, अभी भी यूज करते हैं। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, पीपल मेक कार्ट विद द व्हील्स, लोगों ने कार्ट बनाई जिसमें व्हील्स लगे थे, दैट कुड बी पुल्ड बाय एनिमल्स, जिसको एनिमल्स खींचते थे। दे यूज एनिमल्स एंड कार्ट टू मूव देमसेल्फ एंड देयर गुड्स, तो अब इंसान जो है एनिमल्स और कार्ट को यूज करने लगा, खुद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और अपने सामान को। हॉर्सेस, कैमल और बुलेट कार्ट बिकम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द पीपल, अब कौन इन कार्ट को, कौन जानवर खींचते हैं, घोड़े, कैमल और बुलेट कार्ट, ये है ना ऑक्स, ये खींचते हैं अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बुलक कार्ट्स कैन बी सीन, अभी देख लो भाई, इवन टुडे, आज भी इंडिया में बुलक कार्ट्स हमें दिख जाएंगी। हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस, हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस क्या है, टोंगा, कार्ट वर ऑल्सो यूज, ये भी अभी होती है जिनको घोड़े खींचते हैं, बट दीज वर मोर एक्सपेंसिव मीन, लेकिन ये महंगा है, इसमें आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हॉर्स ड्रॉन टोंगास कैन बी सीन, क्या होता है, टूरिस्ट और चिल्ड्रन को मुंबई के कुछ पार्ट्स में राइड देते हैं जहाँ घोड़े खींचते हैं, क्योंकि वो महंगा होता है ना। हैव यू एवर रिडन, क्या कहता है, हैव यू एवर रिडन इन अ टोंगा, क्या आपने टोंगे क्या देखा है, सवारी की है। नेक्स्ट, राइडन, कैमल कार्ट्स आर कॉमन इन डेजर्ट एरिया, कैमल कार्ट्स होते हैं वो डेजर्ट, अब डेजर्ट एरिया है तो वहां तो भैया कैमल ही मिलेगा और कैमल ही बग्घी को खींचेगा। कैमल स्टोर्स वाटर इन इट्स स्टमक एंड कैन गो विदाउट फॉर मैनी डेज, अब डेजर्ट में पानी नहीं मिलता तो कैमल का क्या होता है, कैमल अपने पेट में बहुत पानी स्टोर कर सकता है जिसको वो बहुत दिनों तक यूज करता है, तो उसे बहुत दिनों तक बिना पानी के वो रह सकता है। थस कैमल्स आर सुटेबल टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन द हार्श वेदर कंडीशंस ऑफ अ डेजर्ट, तो इसलिए कैमल जो है वो बहुत सुटेबल है एक लॉन्ग डिस्टेंस अगर हमें डेजर्ट में ट्रैवल करना है जहां पे खासकर हार्श कंडीशन है वेदर, यानी दिन के टाइम बहुत गर्मी है, रात के टाइम बहुत ठंड है, पानी भी नहीं मिलता, कोई वेजिटेशन भी नहीं है, तो ऐसी जगह पे कैमल सुटेबल है। ट्रेडिशनली आ कारवा पुल्ड बाय कैमल वुड कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट, अगर आप देखो ना तो वहाँ पे तुम्हें पूरा एक लोगों का कारवा, मतलब बहुत सारे लोग कैमल्स पे ट्रैवल करते हुए दिखेंगे डेजर्ट में, जो खुद और अपना सामान भी कैमल से ले जाते हैं। रेंडियर्स एंड सर्बेरियन हस्कीज आर यूज टू पुल स्लेजेस इन द रीजन कवर्ड विद स्नो एंड आइस, अब पोल्स होते हैं ना जहाँ स्नो और आइस होती है, बर्फ ही बर्फ है, वहां पे रेंडियर्स और हस्कीज जो होते हैं वो स्लेजेस, स्लेजेस होता है आप समझ लो एक वुडन प्लैंक होता है, लकड़ी का टुकड़ा जिसको वो खींचते हैं बर्फ पे, तो ये जानवर वहां पे यूज होते हैं दोनों। नेक्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, अब हमें एनिमल्स की कैसे देखभाल करनी चाहिए, लाइक ह्यूमन एनिमल्स ऑल्सो फील हंगर, अब हमें भूख लगती है ऐसे ही जानवरों को भी भूख लगती है, दर्द होता है और थकते हैं। अनलाइक ह्यूमन्स दे कैन नॉट, लेकिन हमारी तरह वो बोल नहीं सकते एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम इंसान अगर बोले ना हमारे मुंह पे तो वो फीलिंग आ ही जाती है ना, हम खुश महसूस कर रहे हैं, दुख महसूस कर रहे हैं, पेन, लेकिन जानवरों का ऐसा नहीं होता। देयरफॉर वी मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द एनिमल्स दैट वर्क फॉर अस, इसीलिए हमें उनका मतलब उन जानवरों का ध्यान रखना है और सेंस उनकी जो जरूरतें हैं जो हमारे लिए काम करते हैं उनकी जरूरतों पर हमें ध्यान देना है, हमें उनकी जो जरूरतों को समझना है और उन पर ध्यान देना है। सेंसिटिव टू देयर फीलिंग्स, वी मस्ट लव देम एंड लुक आफ्टर देम, हमें उन्हें प्यार करना चाहिए और लुक आफ्टर मतलब देखभाल करनी चाहिए। सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन टेक केयर ऑफ एनिमल्स, कुछ तरीके जिनसे हम एनिमल्स की देखभाल कर सकते हैं, गिव इनफ फूड, जितना उनको खाना चाहिए उतना हम उन्हें अच्छा खाना दें, रहने की जगह दें और साफ पानी दें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू एनिमल्स, गिव एनिमल्स इनफ टाइम टू स्लीप एंड रेस्ट, जितना उनको सोने के लिए और रेस्ट के लिए टाइम चाहिए उतना हमें देना चाहिए। थ्रोइंग स्टोन्स, हिटिंग एनिमल्स विद केन्स, केन्स मतलब होता है लकड़ी, उससे चाकू चाबुक से विपिंग होता है ना वो मारने का, जो उससे मारना नहीं चाहिए। पुलिंग देयर टेल्स शुड नॉट बी डन, उनकी टेल भी नहीं खींचनी चाहिए, दिस इज क्रुएलिटी टू एनिमल्स,
यानी ये एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी है, मींस निर्दयता है, हम उनके साथ बुरा व्यवहार ना करें, मार उन्हें ना मारें। एनिमल्स अपीयर टायर्ड एंड लेजी व्हेन दे आर अनवेल, जब एनिमल ठीक नहीं होता ना तो वो थका हुआ और लेजी लगता है, तो टेक देम टू वेट डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, है ना, तो हमें उसको डॉक्टर, जो जानवरों के डॉक्टर हैं उनके पास ले जाना चाहिए इलाज करवाने के लिए।